हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आप सही में यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से पैसा अर्न करना चाहते हैं गाइज, तो इस वीडियो में हम कार्टून वीडियो बनाना बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। आपको सिर्फ वीडियो को देखना है गाइज, वीडियो आपको बना बनाया ही रहेगा, सिर्फ आपको एडिट करना है। और एडिट कैसे करना है वो बिल्कुल अच्छा से देखना है। तो सबसे पहले गाइज, जो एप्लीकेशन से हम बताएंगे, द बिग फैट रॉयल इंडियन, इस तरह से गाइज टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर में तो आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस तरह से टाइप कीजिएगा आ जाएगा गाइज। यहाँ देख रहे हैं हम इंस्टॉल पहले से कर चुके हैं, इसलिए इंस्टॉलेड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले गाइज यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ जो प्ले का ऑप्शन है, ये प्ले वाला बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ नाम दिया हुआ है पहले से, लड़की का नाम सिमरन है, लड़का का नाम राज है। आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और जो भी नाम यहाँ से रखना चाहते हैं वो नाम रख सकते हैं इस तरह से रख सकते हैं। उसी तरह से लड़का का नाम भी चेंज करना चाहते हैं गाइज तो कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ सबसे ऊपर में जो ओके का ऑप्शन यहाँ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ एक बार इसको फ्लिप करना है, ये जो बुक है, या नीचे में तीर, दाएं साइड में तीर का ऑप्शन है गाइज, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो ये हो गया गाइज। अब सबसे ऊपर में जो फैमिली मीटिंग है, इस पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद ही दूसरा गेम आप खेल सकते हैं गाइज। ये एक ऐसा ऐप है कि इससे आप जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सिर्फ आपको पहला को इस पर क्लिक करना है, उसके बाद गाइज अपने अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज ये खुद देख रहे हैं आ रहा है, अब गाइज यहाँ जो है तीर का निशान, इस पर क्लिक करना है। फिर से इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज। इसी तरह से क्लिक करते जाना है। अब गाइज यहाँ इसको बैठाना है, बैठाने के लिए यहाँ जो हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे गाइज। फिर से उसी तरह सेम प्रोसेस है गाइज, सबको बैठा देंगे इस तरह से कर करके। अब बैठाने के बाद इसको गाइज यहाँ जो ये मेज फ्लिप कर रहा है, इसको इस तरह से दे देना है गाइज। इसी तरह से करते जाना है गाइज, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, आपको इसी तरह से करते जाना है। इसी तरह से इसको आगे की ओर बढ़ाते जाना है, ये आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ आप चाय लेके आया गाइज, उससे पहले कुछ बात करेगा। हेलो अंकल, हेलो आंटी, दैट्स माय सन, हेलो अंकल, हेलो आंटी। इसी तरह से करते जाना है गाइज, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको कहीं पे अब गाइज यहाँ पे चाय पीने के बाद यहाँ से ओके कर देना है, यहाँ पे पहले कर देना है, ये बैठ गया। अब इसको गाइज हम एडिट करके दिखाते हैं कैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो हम कैन मास्टर को ओपन करेंगे गाइज, उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ अगर आप कैन मास्टर से करना चाहते हैं तो नीचे में क्रिएट का ऑप्शन है गाइज, इस पर क्लिक कर लेना है। इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज ऊपर में क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइज, और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज वो वीडियो जो बनाया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ले आना है इस तरह से। अब गाइज यहाँ जो है वीडियो बिल्कुल छोटा पार्ट में दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको इस तरह से करके जितना बाकी फालतू पार्ट को काट के हटा देंगे, जहाँ से वीडियो प्ले होता है गाइज वहाँ का पार्ट ही रखेंगे।
अब यहाँ से वीडियो प्ले होता है गाइज, तो क्या करेंगे, बाकी पार्ट को इस तरह से ट्रिम लेफ्ट कर देंगे। अब लास्ट का पार्ट भी काट के गाइज पहले हटा देंगे, तो लास्ट में काटने वाला पार्ट है ही नहीं गाइज इस वीडियो में। अब इसको जूम कर लेंगे फुल स्क्रीन पर करने के लिए गाइज, यहाँ पेन एंड जूम वाले ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज इसको फुल स्क्रीन पर कर लेना है, इस तरह से फुल स्क्रीन पर कर लेंगे गाइज। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से लॉक कर देना है यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो ये आगे बढ़ने पर फिर छोटा हो जाएगा। अब गाइज इसको प्ले इस तरह से करना है, छोटा हो गया गाइज, ये लॉक नहीं हुआ, तो इसको क्या करना है, लॉक करना है। पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। अब जो है गाइज ये छोटा नहीं होगा। अब गाइज इसको क्या करेंगे, इसमें से हम ऑडियो जो है ऑडियो निकालेंगे, पहले बाहर करेंगे। ऑडियो बाहर करने के लिए गाइज इस यहाँ इस ऑप्शन में सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद गाइज एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑडियो बाहर हो जाएगा। अब ऑडियो बाहर होने के बाद गाइज क्या करेंगे, इस ऑडियो को वॉइस थोड़ा जो है कम कर देंगे, साउंड जो है कम करेंगे। मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको 60 पर ले आएंगे। अब गाइज फिर से इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वॉल्यूम इन वॉल्यूम का ऑप्शन है, इस पर कहीं बढ़ा देंगे और कहीं कमा देंगे, इस तरह से। इसी तरह से कर देना है गाइज, ताकि आपके वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आवे। बिल्कुल सही से देखना है वीडियो, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस तरह से गाइज कर देना है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद गाइज क्या करना है, इसमें अपने चैनल का लोगो लगाना है। तो यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका पहले यहाँ गाइज चैनल का नाम क्लिक डालना है, तो चैनल का नाम जो भी है वो डाल देना है यहाँ से, इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसका कलर जो भी रखना चाहते हैं गाइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो है कलर गाइज चेंज करेंगे, कलर हम इस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस पर हम दे देंगे गाइज आउटलाइन, और आउटलाइन थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ शैडो भी इस पर दे देंगे गाइज, और शैडो देने के बाद इसका जो ओपासिटी है थोड़ा कम कर देंगे हम। तो ओपासिटी वाले ऑप्शन पर जाएंगे और थोड़ा इसको इस तरह से डाउन कर देंगे। अब इसको फुल स्क्रीन पे टाइमलाइन में लास्ट तक इसको खींच के कर लेंगे गाइज, इस तरह से। लास्ट तक हो जाने के बाद गाइज अब यहाँ लोगो लगाना है अपने चैनल का। उसके लिए गाइज लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर जहाँ भी लोगो आप रखे होंगे गाइज वहाँ से लोगो ले आना है। अपने चैनल का लोगो, लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे गाइज, और मास्क को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद सर्कल मास्क पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस लोगो को साइड में ले जाके कॉर्नर में इस तरह से लगा देंगे। अब इस लोगो को भी टाइमलाइन में फुल लास्ट तक ले जाएंगे, एंड तक खींच के। अब ये हो गया गाइज। इसको सेव करने के लिए क्या करना है, ऊपर में तीर का निशान है गाइज, ऊपर की तरफ इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज ये सेव हो जाएगा। कुछ सेकेंड का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लगेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।